What you are about to see is highly sensitive information. It is a detailed account of how child trafficking continues to grow in Nagpur, India. Viewer discretion is advised. Content intended for mature audiences only. Nagpur, the winter capital of India. It is rapidly becoming a hub of crime, infested with drugs and trafficking. It is now also the crime capital of Maharashtra. How does this trade of flesh continue to fester? What makes the trafficker tick? Let's hear it from the traffickers themselves. उनको राजस्थान से खरीद के लाया जाता है लीच, यानी खरीदा बोले तो लीच किराए से। जैसे एक साल की कीमत होती है उनकी 4 लाख रुपए। जैसे अपन वहां से एक लड़की लाए नौकरानी, तो यहाँ अपन ने किसी का रखे तो साल भर के लिए उसके माँ बाप को अपने को 4 लाख रुपए देना पड़ता है। फिर वो 5 साल रहे, 6 साल रहे या 10 साल रहे, वो ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं लोग, एक स्टाम्प पे एग्रीमेंट वगैरह बना के उनको ये लाया जाता है। जैसे कश्मीरी, जैसे शीशम भाई और भी बहुत सारे लोग हैं उनके जैसे नाम है, तो उनके पास ला के उनको दिया जाता है। उनके 4-5 यहाँ गंगा जमुना मकान है, जैसे कश्मीरी पकड़े अपन ने तो कश्मीरी के वहाँ पे मेरे अंदाज से 5 मकान है। कश्मीरी धनावर भाई का नाम है जो ठेका चलाती है, जैसे उसके 5 मकान है तो 3 में फैमिलियाँ रहती है, जैसे लड़की आई है तो 3 मकानों में रहना, 2 मकानों में दया व्यापार करते हैं। जैसे ये जो राजस्थान से लड़कियाँ लाते हैं, तो इनने क्या किया, जो पहले राजस्थान से लड़कियाँ क्योंकि अपने लड़कों की शादियाँ करा करा के लाए, एक रास्ता बनाए, बाद में फिर इनने धंधे के लिए लड़कियाँ खरीदना चालू किए, इन्हीं के लड़कों को दिलाती है। भैया इनने बिजनेस कैसा बना लिए, जैसे मेरा लड़का है, मेरा लड़का हो गया 12-13 साल 15 साल का, शादी हो गई, चल बाबा तेरे को एक लोची दिला दिए, तू अपनी औरत को वो लेके बैठेगी, वो कमाई का है तू कर। इनने ऐसा बिजनेस बनाया है। जैसे सर उनके जो माँ बाप रहते हैं लड़की के राजस्थान में, वो बिल्कुल भूखे नंगे रहते हैं, बहुत ही गरीब हालत में, उनके खाने के भी ठिकाने रहते हैं। तो उनके गाँव में जैसे पंचायत होती है, तो एक डबलाना, शंकरपुरा और डबलाना, रामनगर, शंकरपुरा, ये ऐसे मैं जितना जान रहा हूँ उतना बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे गांव है। जैसे मैं एक बार डबलाना गया था राजस्थान किसी के शादी में, तो वहाँ देखा था मैंने कि क्या बोलूँ आप, 12 साल की लड़की 200-300 रुपये में आदमी के साथ सो जाती है, यानी बहुत ही हालत वहाँ की। राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन राजस्थान में तो उसकी ज़िंदगी ना कभी है, तो वहाँ किससे वो लोग वहाँ पे धंधे, मैंने राजस्थान में वहाँ ढाबे होते हैं ना खाने के, तो वहाँ धंधे ढाबों पे होते हैं, तो वहाँ उतनी कमाई नहीं हो पाती उन लोग, तो वो लोग डायरेक्ट शहर भेज देते हैं। कश्मीरी हो गया, सुशील हो गया, सचिन हो गया और प्रीतम हो गया, ऐसे कई लोग हैं गंगा यमुना के जो बड़े पैमाने में लड़के खरीद लेते हैं उनसे, जैसे कोई 4 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, वहाँ उन्होंने 1 लाख रुपये साल से लिए, तो यहाँ ला के 4 लाख रुपये साल से बेचते हैं। यानी मैं जैसे सचिन धनावत है, उसकी जो औरत होगी या उसके भाई की जो औरत होगी, वो डबलाने से यानी मोल पे यानी खरीदी हुई उनकी, जैसे मोल बोलते हैं वो लोग, जो मोल की दुल्हन हो, तो मोल पे खरीद के लाते हैं, तो मोल से खरीदने के बाद उसको यहाँ सब हरा भरा दिखता है, अंदर दिखता है, कारोबार दिखता है, बिल्डिंग दिखती है, तो फिर वो अपने रिश्तेदारों को बोलती है, कोई लड़की यानी लेवड़ी, लड़की को लेवड़ी बोलते हैं, तो बोलती कोई लड़के वड़के आए गए, तो रिश्तेदार तो बोलते हैं ढाबे में से धंधा करवाने से अच्छा नागपुर भेजो, बॉम्बे भेजो, दिल्ली भेजो, शहर भेजो, तो रिश्तेदारी ज्वाइंट होते होते इनका बेशुमार है ना कारोबार बढ़ चुका है आज के तारीख में। कैसा है, ये दूसरे गांवों के जितने भी इस लैंड के गांव है, ये खुद दलाल लोगों के पास, वहाँ के दलालों के पास यहाँ के लोगों का नंबर है ग्वालियर वालों के, कि उनको वहाँ से मोबाइल में व्हाट्सअप फोटो दिखाते, लड़की पसंद करवाते, बाद में लड़की को लेके आते, लड़की सामने आने के बाद पसंद आई तो ठीक है, नहीं पसंद आई तो उसको वापस रिटर्न किराया भाड़ा देके वापस भी जा देते।
तो इनने अपने अपने गांव का अपनी अपनी यानी जात वालों को मिलके मिला के इनने पूरा ग्रुप बना के रखे हैं, और ये ग्रुप के बारे में अपन वहां से इतना कुछ पता नहीं कर सकते। जैसे वहाँ से अपने लड़के पसंद करें, अपना मेरा डिले हो गया तो मैं आपसे लड़की लूँगा तो HIV टेस्ट करके लूँगा, और आपको लड़की दूंगा तो HIV टेस्ट करके ही दूंगा। ये वहाँ का ट्रैफिक का काम है, आप जो मेरे साथ मैं उसको लेके जाता हूँ साथ में, तो औरत उसको नंगा करेंगे वही उन्हीं के गाँव में, उन्हीं के घर में रिश्तेदारी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जैसे रिश्तेदारी हो सब आपस में फैमिली चाहो, वो अपने तरीके से बात करेंगे, कहीं बीमार में कोई बीमारी चली है जैसे कोई तकलीफ तो उसको चेक कर लेंगे अंदर ही, और वो सौदा पक्का होगा। सर ऐसा है, कम से कम उम्र से ये 12-13 साल की उम्र से लड़की ला लेते हैं, फिर वहां से उसको बदनापुरा लेके आएंगे, गांव ग्वालियर डायरेक्ट नागपुर नहीं लाएंगे, पहले अपन अपने गांव ले जाएंगे उसको अपने तरीका तौर तरीका सिखाने के लिए, जैसे कि धन देंगे, जैसे बदनापुरा जो ग्वालियर है वहाँ पे धंधा होता है, तो गांव में वो ट्रेनिंग देते हैं कस्टमर को बुला के, या उनके घर का खुद का एक आदमी रहता है जो लड़की के माँ बाप को बता देता है कि लड़का इसके साथ संभोग करेंगे, तो वो लड़की भी एग्री रहती है उसमें। ट्रेनिंग होने के बाद फिर एक शहर चुना जाता है किसको बॉम्बे, पहले तो बॉम्बे शिफ्ट करते हैं, जहाँ तक कोशिश करते हैं वो लोग बॉम्बे शिफ्ट हो जाए लड़की, और वहाँ बॉम्बे भेजते हैं, बॉम्बे में कई बार है, एक बार जैसे रीगल बार है, रंगीली बार है, और बहुत सी बार है वहाँ, कोई भी उनके सब लगे हुए सब दलाल वहाँ पे भी, यहाँ से डायरेक्ट बॉम्बे में दलाल लगे रहते हैं, वहाँ बॉम्बे में बाहर से बात कर लेते हैं, साल दो साल वहाँ अगर हो जाए तो ट्रेन हो जाती है, साल 6 महीने में ट्रेन हो जाती है, वहाँ लड़की का धंधा चला तो ठीक है, नहीं तो उसको दूसरा शहर शिफ्ट कर देते हैं। 13 साल की उम्र से 17 साल की उम्र तक में जितना निचोड़ना रहता निचोड़ देते हैं, या तो कुछ एड्स की बीमारी से मर जाती हैं, जो कुछ खुद के इलाज करके जिंदा है और अपना खुद अब कमा रही है, यानी रस चूस के गुलाब का रस चूस के फेंक दिया जाता है। मेरी उम्र से देखते हुए एक थम्सअप होता है और वो काजू लेते हैं, काजू के अंदर काजू को थम्सअप में डाल के भिगा के रखते हैं 1/2 घंटा, फिर वो लड़कियों को पिलाते हैं। उससे यह होता है कि लड़की का जो शरीर रहता है वो फैलता है, जो 9-8-9 साल की उम्र से देना चालू करते हैं तो 12-13 साल की उम्र तक वो लड़की MC पीरियड में आ जाती है, MC हो गई तो वो लड़की का धंधा चालू। 12 साल में जैसे है लड़की, तो 6 साल के अंदर उसकी बॉडी की सत्यानाशी हो जाती, ख़त्म हो जाती है, और अपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि वो लड़की जिंदा वापस अपने घर गाँव गई है कि मर गई है। सर उसके साथ बहुत मारापीटी करते हैं, जब तक उसके माँ बाप जैसे मनाई करते हैं तो उसके माँ बाप को बुला ले तो उसके सामने खड़े कर देते हैं कि भैया पैसे दें नहीं तो इसको बोलो धंधा कर, तो माँ बाप उसके हाथ पर जोड़ते हैं, बेटा पैसे कहाँ से ला के देंगे, फिर वो एग्री हो जाती है, फिर सब तरीके से करने लग जाती है, और फिर नहीं तो फिर तो मारा पीट करते थे उसके साथ, पैसे दिए तो मारना तो पड़ेगा ना, फिर जैसे अपने किसी चीज़ को 4 लाख रुपये दिए और 1 रुपया नहीं कमाए तो मारना तो पड़ेगा इसको, इस तरीके से चलता रहता है। सर मेरा दोस्त है, उसकी औरत का नाम उसकी लड़की है, वो इसके पहले हिरलांजी गाँव है भंडारे की तरफ, एक लड़की के साथ भागी थी, तो हम लोग जाके उसको लेके आए थे, तो फिर से उसको धंधे भी लगा दिए, मारा पीटी करे तो बहुत मारे थे लड़की को, मारे थे लड़के वहाँ से उसको लेके आ गए, अभी वो फिर भाग गई दूसरे लड़के के साथ, कहाँ पे छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़े में भागी है वो गंगा जमुना के बदमाश है, तो इनको पैसे दिए जाते हैं लड़के लाने का, अगर वो आदमी वहाँ से लाता है तो उसको 3-4 लाख रुपये लोग देते हैं, नहीं आंबेकर जैसा आदमी उन्होंने पाल के रखे हैं, ये इतवारी का डॉन है बदमाश है, सुशील धरावन से बहुत अच्छी से बातचीत है, यानी अच्छे काफ़ी करीबी रिलेशन है उसके, एक दो बार में यानी हम लोग देखते ही रहते हैं ना, रोड पर रहना हमारा, अभी तो फिलहाल में जेल है आंबेकर, अभी तो जेल में, और सुशील भी अभी आता नहीं जब से वो आंबेकर अंदर हुआ है। ₹30,000 भैया, वहाँ ऐसा है कि खा पी के 1 लाख रुपये महीना बचना है लड़की का, भैया सवेरे तो सबसे पहले 6 बजे उठ जाती है, काय को 5:30 बजे, 5:30 बजे से 12 बजे तक गंगा में धंधा रहता है, 11 बजे तक, 11 बजे तक वहाँ खूब जम के धंधा रहेंगे, यानी लड़की 11 बजे तक 7-10 हज़ार रुपये कमा चुकी होती है,
अब समझ गए सर, वहाँ लूट का बाजार है। 200 बोलते हैं, अंदर 1000 छीन लेते हैं। अब उसी किस्मत में 10 कस्टमर आए या 20 कस्टमर आए, उसकी किस्मत से। देखो सर, जैसे अब लड़की पहले जो कस्टमर को रहता है उसका रेट रहता है 1,00,000 रुपये। वो जैसे यहाँ पे सेटल होगा, नहीं तो बॉम्बे में सेटल होगा, नहीं तो दिल्ली में सेटल होगा। हाँ, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, ये तीन ही शहर ऐसे है जहाँ ये सब काम होते हैं बड़े पैमाने में। इनका पहले नाइट का काम होता है 1,00,000 रुपये से स्टार्ट, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000, कोई 1,00,000 रुपये। अगर ज़्यादा अच्छी लड़की है, किसी का दिल आ गया तो 3-3,00,000 रुपये भी देते हैं। बस्ती बंद होती है, जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया ये है उस हिसाब से बस्ती बंद होना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन ये था कि तुम रह सकते हो, देह व्यवहार नहीं कर सकते। इनने कोर्ट में क्या डाले थे कि पुलिस हमको घर गृहस्थी में रहने नहीं देती, तो जब कोर्ट ने फैसला दिया कि तुम रह सकते हो, ये वैध धंधे नहीं कर सकते हो, तब भी वहाँ वैध धंधे चल रहे, तो चाहे तो पुलिस एक दिन में उसको पूरा पैक कर सकती है, बंद कर सकती है वो डिसीजन के ऊपर। वो क्यों नहीं करती है, इसका कारण ना मैं आपको मालूम है ना मेरे को मालूम है। नागपुर के अपने पॉलिटिशियन ने, बहुत बड़े आदमी ने सोचा था ये बस्ती हट जाए और ये अपना मेरा नागपुर और अच्छा साफ सुथरा हो जाए। लेकिन मैंने आपको बताया ना, अभी मैं जैसे कंप्लेंट डालने गया ऑफिसर के पास, ऑफिसर ने अपनी कार्रवाई दिखाई और वो तो अपनी कार्रवाई कर दिया बस, और वो बस्ती वालों को जवाब दे दिया आपके कहने पर मैंने ये कार्रवाई कर चुका हूँ। ये सर कस्टमर लग दलाल लग रहे थे, जिससे मैंने आपको दलाल बाबू कान हो गया, जैसे सुशील की बहन सुशील धना हुआ था, उसकी बहन सपना, अंजलि, इनके पास काफ़ी ससी एंटी, इनके पास हाई फाई कस्टमर लगे, पैसे वाले कस्टमर सर, 40 साल 50 साल की इनकी सर्विस हो गई है। धीरे धीरे आदमी कोई भी काम करे तो उसके कस्टमर तो ऐसे समझ हो जाएंगे। हाँ, जैसे रायपुर, भिलाई, दुर्ग, ये सब तो ज़्यादा करके बाहर के लोग रहते हैं, ना गंगा यमुना में, यहाँ के पब्लिक नागपुर के पब्लिक गंगा यमुना जाना इंटरेस्ट नहीं रहती है, बाहर के पब्लिक रहती है। तो अलावरी होटल हो गया, अर्जुन होटल हो गया, राहुल डेलक्स हो गया, ये लोग बाहर ही करवाते हैं हाई फाई जो कस्टमर आते हैं। अरे पता तो सभी रहता है कि लड़की धंधे के लिए आई है और ये धंधे कस्टमर है, नहीं ये नहीं पता होता है कि उनका सिल पैक है कि ना तो उतारने के लिए आई है, इस तरीके से उनको जानकारी नहीं रहती। लेकिन ये जानकारी जरूर रहती है कि लड़की पैसे आएगा। गंगा जमुना की सर पुलिस वहाँ आती है सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए, उसके बाद 12 घंटे तो पूरा खाली चलो। ये लड़की सिर्फ एक गली में रेड मारती ना, पुलिस पूरी गंगा जमुना वहाँ तक रेड ही नहीं मार पाई। गंगा जमुना काफ़ी बड़ी है ना, कम से कम मेरे अंदर से 12 गलियाँ, 8 गलियाँ, 12 गलियाँ होंगे। पुलिस जब रेड मारती तो एक ही कोई अपनी गली को टारगेट बनाती है, बाकी गलियाँ छोड़ देती है। अब जो एक गली को टारगेट बनाती है तो इस कारण उसमें से आधी और भाग जाती है। जैसे अभी जैसे सर अब रेड पड़ी वहाँ तो तुरंत वो अपने घर नहीं बेचते, पहले तो इतवारी, महल, सदर मार्केट में चले जाओ। हाँ, उनके साथ 2-3 लड़के और रहती उनके घर के, एक नायका तो 3 लड़कियाँ, यानी नायका बोले तो एक बॉस और 3 वर्कर, तो एक बॉस के साथ 3 वर्कर रहते हैं, वो अपने मंडी में पूरा बाजार में घुमाती हैं। यहाँ से फिर एक दलाल को फ़ोन करेंगे, चलो पुलिस चलेगी आ जाता हूँ, फिर अपनी जॉब पे जैसे कैसे फिर खड़े रहते हैं। जैसे रेट मारे तो वहाँ 80 लड़के कमाती होंगी तो 10 ही हाथ में आएंगी, 70 तो ऐसे भाग चुकी हूँ। और उसका कारण और भी इसलिए है कि जब भी वहाँ भगदौड़ होती है तो ये लड़कियाँ अगल बगल की बस्तियों से भगना, रात बिरात वहाँ से निकलना, गाड़ियों से आना, तो वो चक्कर में कैसा बाहर के जो लोग रहते हैं जिनको गंगा यमुना का मालूम नहीं कि गंगा यमुना कितने हद में है कितने हद में नहीं है, वो वजह से अच्छे अच्छे घरों में गिराक चले जाते हैं, पब्लिक चले जाती, परेशान करती है। जैसे भास्कर गली के पीछे में एक रामू का बाड़ा था, वो पहले वहाँ धंधा होता था, वो रामू का बाड़ा हाथ से सुपारी साफ करके पियाई थे, जब उनने बंद कराए थे। अब उधर में एक छोटी सी भास्कर गली बची है, तो वहाँ के जैन समाज के लोग चाहते हैं कि ये गली भी बंद हो जाए, क्योंकि वहाँ रात में ज़्यादातर धंधा होता है और पीछे से खूब धंधा चलता है, ये वहाँ के बस्ती वालों का कहना है, लोगों ने देखे भी हैं। जी हाँ, बहुत से वैसे वहाँ पे हर आदमी ने अपना पहाड़ी मकान लेके रखा है और दिगोरी में लेके रखा है, मानेवाड़ा में है, महल जैसे एरिया में है, यहाँ की औरतों के मकान, ये सब अपनी फैमिली जैसे वहाँ जो कच्चा माल होता है नाबालिग वो अपने घरों में रखती है। जहाँ ये जैसे कश्मीरी का मकान है दिगोरी में, तो वहाँ से लड़के जैसे नाबालिग रहेंगे तो वहीं से आएंगे, तो वहाँ से जैसे अपने को मेरे को लगा जैसे गड़बड़ है, ये वाले मकान गंगा जमुना के मकान पर तकलीफ हो सकती है, तो मैं दिगोरी वाले मकान पर भेज दूँगा, कोई बात नहीं, आज ही नहीं कमाना है,
देखो रे, सेफ तो रहेंगे, आज का दिन निकल जाएंगे तो फिर कल अपने घर बुला लेंगे, घर पे रहेंगे 4 दिन 5 दिन हफ्ता वक्त, एक को बताएंगे तो पूरा फैल जाएगा। इस तरह की सोच चल रहा है और आज तक चल ही रहा है। क्या मतलब है आज से नहीं, गंगा जमुना 40 साल, आपके हिसाब से बोले 40 साल, 40 साल से आज से 20 साल पहले बाली साहब आए थे, उन्होंने ऐसे रेट मारे थे कि पूरा एरिया उन्होंने सील करके अंडे वाले से, पांडिले वाले से, चाय वाले से सबको अंदर कर दिया था 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस समय भी यानी गंगा जमुना बंद हो गया था, जैसे आज जिस तरीके से चालू है इस तरीके से भी नहीं था, इससे भी गए भी था कर देते बिल्कुल, वहाँ 24 घंटे पुलिस के ढक्के खड़े रहते थे, लेकिन वो भी थक गए, वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। तो ऐसे बाली साहब भी आए थे, वो भी बहुत मेहनत करे लेकिन वो जमुना बंद नहीं हो पाए और आज तक चालू है। कुछ पुलिस स्टेशनों का भी होल्ड है वहाँ, उनके वो क्या बोलते सब स्पोर्ट्स के खिलाड़ी आते हैं, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी वगैरह होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग वगैरह तो उनके सर वगैरह आते हैं, और रेलवे के कुछ ऑफिसर आते हैं, जो बड़े ऑफिसर आते हैं तो उनके लिए वो बंदोबस्त हो जाता है गंगा यमुना से। कम से कम कुछ नहीं तो 5,000 तो होगी, जिसमें से कुछ मालकिनें बन गई है और ज़्यादातर लड़कियाँ ले लेके बैठी हुई हैं मालकिनें बन बन के, ठीक है। पहले वो भी धंधा करते थे भैया, जब इनके वोटिंग लिस्ट में 3,000 नाम है तो बाकी तो ये इनके नाम ही नहीं रहते हैं। क्या मैंने बताया ना, ये जब से HIV और एड्स की बीमारी का हुआ है भैया, कई लड़कियाँ वहाँ मर चुकी है, पता नहीं चला है कब मरी कब मैयत करे। नहीं नहीं भैया, ये क्या करते हैं, ये अपने गाँव में ही ले जाते हैं यहाँ से, हाँ एम्बुलेंस। अब ये क्या सेटिंग लगा था, ये जैसे एक राणा करके दलाल है जो कोर्ट कचहरी के इनके काम करता है, पात्रे कर वकील करके परफेक्ट दलाली है लोग, एक सचिन उचिया का दलाली का भी ये काम करता है कोर्ट कचहरी का, तो इनकी सेटिंग है भैया। सौजी लोग, कारिंगवार लोग, अगल के बगल के जैन सामान हो गए, मियाँ भाई लोग हो गए, ये बस्ती को सब अगल बगल की पूरी बस्ती वाले चाहते कि ये बस्ती यहाँ से ख़त्म हो जाए, हट जाए। ये वो इसलिए चाहते सर क्योंकि रात बिरात की में कभी भी कोई भी आदमी पी खा के आता तो वो उत्ते एरिया को गंगा यमुना ही समझ लेता है। तो अच्छे घर के लोगों के दरवाजे खटखटा देना, जैसे अच्छे घर की लड़कियां उस तरफ के रोडों से जाती हैं तो लड़कों का छेड़ना, दूसरा उनके बच्चों की रिश्तेदारी नहीं होना, उनके बच्चे बिगड़ जाना, सब चीज़ें ऐसे यानी ये सब परेशान हो गए। तो वहाँ के बस्ती वाले कोई गलत ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे, वो देखा जाए तो एक तरीके का सही ऑब्जेक्शन है और उसको हटाना चाहिए क्योंकि इनने बहुत फैला दी है। सर बंद तो होता नहीं होगा क्यों, क्योंकि सर हाई कोर्ट का आर्डर आया था कि तुम सिर्फ वहाँ रह सकते हो, धंधा नहीं कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट का आर्डर धरा का धरा है, वहाँ धंधा चालू है, रह भी रहे और अपने संविधान में लिखा है अपने घर को तुम्हारे को तुम्हारे घर से भगा नहीं सकता, हाँ भले धंधा बंद हो जाए लेकिन मानो रहे तो रहना तो पड़ेगा ना, तो रहेंगे चार, तो वो बॉम्बे सिस्टम है जैसे यहाँ रहा और रोट ले जाओ, बंद भी करेंगे तो दूसरे शहर मिल जाएंगे। मैं अभी आपको बता थोड़े जब वनी में नागपुर बंद हो जाएगा तो छोटे गाँव में चले जाएंगे, वहाँ नया कचरा तैयार कर रहे हैं, ऐसे कई सारे। मैं तो सर ये बोल रहा था कि जहाँ तक जो डबलाना है राजस्थान का, वहाँ के जो किसान लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, अगर उनका कुछ सुधार हो जाएगा तो ऑटोमेटिक धंधा ख़त्म हो जाएगा। फूल में भगवान के लिए फूल ज़रूरी है, फूल ही नहीं आएंगे तो भगवान को पूजेगा कौन, अगर वहाँ से फूल ही नहीं आएंगे तो भगवान को चढ़ाएंगे क्या, फिर अपने को घास चढ़ाना पड़ेगा, फूल हटा देना पड़ेगा, जब फूल ही नहीं तो घास चढ़ा।